चुनाव प्रचार जारी है और सरगर्मियां चुनाव की तेज हो चली है, लेकिन उसके बीच आम जनता नेताओं को थप्पड़ मार रही है। आखिर क्यों? इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन राजू। सर, जैसे कि चुनाव का जो सरगर्मी देखने को मिलती है, चुनाव का दौर जारी है, उसके बीच आम जनता नेताओं को थप्पड़ मार रही है, वो भी आपकी नेता अरविंद केजरीवाल को। आखिर क्यों, क्या वजह रही है? आज जो घटना सामने आई है, अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो था और उसमें जिस तरह से एक व्यक्ति ने उस शख्स की पहचान होना भी बाकी है कि वो क्यों कौन था और उसने क्यों थप्पड़ मारा, लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक पटेल के मंच पर जाकर हार्दिक पटेल को पहले थप्पड़ मारा गया, भाजपा के एक नेता के साथ भी वारदात हो चुकी है जूता फेंकने की, एक विधायक को सांसद द्वारा पीटा गया है, ये भी एक वारदात हो चुकी है, इसका भी वीडियो वायरल हुआ था और यही वजह है कि उस सांसद का बाद में टिकट भी कट गया। और हाल ही में अभी जो घटना हुई है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, उससे इस बात का अब खुलासा होता है कि राजनीति में बहुत तेजी से आम लोगों आम आदमी की हिंसा बढ़ रही है। ये जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है ये कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, ये एक आम आदमी है। जिस तरह से कहीं उसको हार्दिक पटेल को जो थप्पड़ मारा गया था वो भी व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति था, तो आम आदमी आखिर इतना ज्यादा गुस्से में है राजनीतिकों के प्रति, और संभव है कि आने वाले दिनों में इसी तरह नेताओं की धुलाई का सिलसिला जारी रहे, उनको थप्पड़ पड़ते रहे, उन पर जूते फेंके जाते रहे, क्योंकि राजनीति का जिस ढंग से पलायन जो पतन हो रहा है उससे आम आदमी को अब ऐसा लग रहा है कि इनको थप्पड़ मारे जाने चाहिए। हालांकि हिंसा किसी भी रूप में बुरी होती है, हिंसा का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात बन रहे हैं और जो आम आदमी का आक्रोश जिस तरह से सामने आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने पड़े। तो ऐसी चुनावी चर्चा हम आपसे हर रोज करते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।